मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को आज मंगलवार को एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020 से 2025 प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम में सरकार के एक साल के विकास कार्य को लेकर एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर भी एक फिल्म दिखाई गई, जिसमें अगले चार साल में सरकार का विजन के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी विजन की सरकार है, टेलीविजन की नहीं। हमने पहले ही कहा था कि घोषणा नहीं करेंगे, हमें अपने लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। एक साल पहले खाली खजाना मिला था, हमने 365 दिन में पूरे वादे किए हैं। हमने एक साल की कार्य योजना बनाई है, हम माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिससे विकास के हर बिंदु को छुआ जा सके। ये प्रदेश के हर व्यक्ति, किसान और महिला का सपना भी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए विजन टू डिलीवरी रोड मैप का प्रदेश की जनता की आशंकाओं और प्राथमिकताओं का दस्तावेज बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य एवं पर्यटक के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की त्वरित आर्थिक समृद्धि और विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में विचारों की स्पष्टता और प्रतिबद्धता के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रशंसा की। पूर्व प्रधानमंत्री ने लोगों के आर्थिक विकास और समृद्धि लाने के लिए एक साल के कम समय में उठाए गए कदमों के लिए भी उन्हें बधाई दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म और वृहद स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर रोजगार उत्पन्न कराने के प्रयासों पर फोकस करने की कमलनाथ सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ना सिर्फ स्पष्ट दृष्टिगत पत्र बनाया गया है, बल्कि इसको लागू करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020 से 2025 में अगले 5 साल में 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है। 3.5 लाख जॉब मैन्युफैक्चरिंग तो 1.5 लाख सर्विस सेक्टर से रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख नौकरियां पर्यटन क्षेत्र से दी जाएंगी। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद इस रोड मैप की मॉनिटरिंग करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए जीवन खपा देने वाला स्वर्गीय अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत मध्य प्रदेश सरकार का इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया गया। उनकी पत्नी श्रीमती शायरा बानो को पुरस्कार राशि के रूप में 10 लाख रुपए का चेक और स्मृति चिन्ह भेंट की गई। जब्बार 33 वर्षों तक गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। पिछले दिनों ही उनका निधन हुआ था। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने तथा मान्यता देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। रोड मैप में समस्त नागरिक सेवाओं को कहीं भी और किसी भी समय के तर्ज पर किसी भी स्मार्टफोन डिवाइस के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही प्रदेश के हर गांव को सड़क, बिजली और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। आइए आपको बताते हैं विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020 से 2025 में क्या क्या होगा। बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी की तर्ज पर प्रदेश में नई सिलिकॉन सिटी बनेगी। संचित क्षेत्र का रकबा 40 से 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई 5.27 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करेंगे। प्राथमिकता शिक्षा में 100% नामांकन और 0% ड्रॉप आउट तय होगा। हर गांव, हर घर में 24 घंटे बिजली, पक्की सड़कें और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा मिलेगी। नवकरणीय ऊर्जा ग्रिड की क्षमता 4000 से 13000 मेगावाट करेंगे। राइट टू वाटर और राइट टू हेल्थ में हर घर में शुद्ध पेयजल देंगे। प्रदेश के हर गांव में सड़क, बिजली और ब्रॉडबैंड इंटरनेट से युक्त किया जाएगा। डू इट योर सेफ गवर्नेंस के माध्यम से ई गवर्नेंस सेवी गवर्नेंस की परिकल्पना। And constant reviews at the level of the Chief Minister Shri Kamalnath himself to ensure that the plan in its design and implementation reflects people's priorities, sustainable development goals, and micro and macro level economic conditions prevailing in the state. Well, khali tijori hi nahi, par
इस बोझ से हमें हमें शुरू करना पड़ा। हमारा दृष्टिकोण क्या है, साल भर में हमने क्या किया, हमारी विजन की सरकार है, टेलीविजन की सरकार नहीं है। मैंने कहा था कि हम घोषणाएं नहीं करेंगे, हमें अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें जनता से सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ये होर्डिंग और बैनर से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और यही हमारा लक्ष्य रहेगा। हमने शुरुआत करी कि खाली और इतनी बोझ भरी तिजोरी के बावजूद जो हमारी वित्तीय स्थिति थी, हमने 365 दिन में 365 अपने वचन पत्र के मुद्दे पूरे करे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।